गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल उधौड़ आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमें भारत की खोज तो भाग में मतलब तो इस किताब में भारत माता यह अध्याय हम पढ़ रहे थे। तो भारत माता भाग में नेहरू जी हमें भारत माता की विशेषताएं और भारत माँ की सीमा कहाँ तक थी, लेकिन जी भारत माता के बारे में लोगों में भारत माता के बारे में लोगों में वह भक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए जिस तरह उन्होंने प्रयत्न किए, ठीक है, यह सारा विषय हम पिछले कक्षा में देखे थे बच्चों। और नेहरू जी लोगों को यह भी समझाया कि स्वराज मतलब स्वतंत्र सिर्फ कुछ विशेष लोगों का नहीं, वह क्या है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है। यह एक अवश्य विषय भी नेहरू जी लोगों को समझाने के लिए कोशिश किए। तो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो बच्चों, मतलब कहाँ तक हम छोड़ दिए थे। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, ठीक है, और उस स्वराज की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा, ठीक है। मतलब स्वराज मतलब स्वतंत्र आजादी, यह सिर्फ विशेष लोगों का या कुछ ही लोगों का नहीं है, तो यह क्या है, देश के हर एक व्यक्ति का अधिकार है। तो इस तरह अनेक विषय लोगों को नेहरू जी समझाने के लिए कोशिश किए हैं। तो पिछले कक्षा में उन्होंने हमारे साथ चर्चा भी किए हैं। आइए बच्चों, तो आज आगे क्या कहते हैं। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास के कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया, मतलब भारत माता की सीमा मतलब बॉर्डर कहाँ तक है उसके बारे में कहते हैं। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर, सुदूर मतलब दूर, सुदूर मतलब दूर, ठीक है, सुदूर मतलब कहां से कहां तक, उत्तर पश्चिम में खैबर पास के कन्याकुमारी, खैबर मतलब स्थल का नाम, ठीक है, खैबर पास के कन्याकुमारी या केप कोमरिन द्वीप का नाम, ठीक है, कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। तो वहां घूमकर नेहरू जी क्या क्या देख लिए हैं, वह भारत माता की सीमा जिस तरह है, यह पूरा विषय नेहरू जी उनको समझाए। मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, हर एक स्थल में जाकर उन्होंने क्या किए, उस लोगों का कष्ट क्या है, ठीक है, लोगों का मतलब किसानों, उन लोगों के कष्ट में नेहरू जी का जाकर भाग लिए, मतलब उनका कष्ट क्या है उसे दूर करने के लिए हो या उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने कोशिश की है। हर एक जगह में किसान लोग नेहरू जी से क्या प्रश्न पूछे उसके बारे में उन्होंने समझाते हैं। देखो कैसे सवाल पूछते हैं, सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी, हर एक किसानों की समस्या क्या थी, समान थी, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, गरीबी, कर्ज, कर्ज मतलब कर्ज में पैसे देते हैं ना लोग, साल करोड़ अंतर, हाँ, गरीबी, कर्ज, निहित, निहित मतलब शामिल, गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, ठीक है, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे। ऐसे अनेक समस्याओं में
उस किसान लोग मतलब एक भारत माता के लोग क्या हुए थे, फंस गए थे, ठीक है। और इसके साथ पुलिस के अत्याचार में भी, मतलब पुलिस लोग भी उन लोगों को क्या करते थे, तंग देते थे, समझ में आ रहे ना। ऐसे अनेक समस्याओं में भारत माता के लोग फंस गए उस जाल में। मतलब वो समस्या कौन कौन से आप देख लिए, गरीबी, बड़तन, कर्ज, अरे सालक के ओळगागुवुदु, निहित स्वार्थी, मतलब आप सेल्फिश बोलते हैं ना उसी तरह, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, ठीक है, पुलिस के अत्याचार और ये सब उस ढांचे में, मतलब ढांचे मतलब अनुकूलता, लोग जिस तरह लोगों को मतलब किसान लोगों को अपनी अनुकूलता पर उपयोग कर रहे हैं, यह सब समस्याएं क्या है उसके बारे में नेहरू जी क्या किए, उन किसानों के साथ या उन लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की, और किसान लोग जिस तरह समस्या को उन्होंने पार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यह सब विषय हमारे साथ उन्होंने चर्चा कर रहे हैं। देखो, लगान और कर, पुलिस के अत्याचार और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था, ठीक है। यह सब समस्याओं को भारत माता पर कौन डाल दिए थे, विदेशी हुकूमत, मतलब अंग्रेजी लोग, ये क्या हुकुम दिए, हुकुम देना मतलब आज्ञा देना, ऐसे समस्याओं भारत के लोगों पर क्या है, डालना है। ये सब समस्याओं को उन्होंने क्या करना है, सहन कर लेना है। इस तरह आदेश कौन दिए थे, अंग्रेजों, तो ब्रिटिश लोग, विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। देखो, साथ यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे, ठीक है। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं, ठीक है। यह नेहरू जी क्या कहते हैं, भारत एक अखंड मतलब विशाल देश है, इसलिए उन्होंने इस तरह कर रहे हैं, ऐसा मैं सोचा। और तो इस तरह यह समस्याओं को पार करने के लिए क्या लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम क्या है, सिर्फ एक भाग है, मतलब पूरा देश क्या कर रहा है, उन लोगों की वह हुक्म है या आज्ञा है, उस आज्ञा को पालन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब भारत माता के सभी लोग क्या कर रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं, समझ में आ रहे ना। अब पिछले आदिकाल में ऐसा ही एक रूढ़ी थी, समझ में आ रहे ना, लोग मतलब ब्रिटिश लोग भारतवासियों पर ऐसे अनेक समस्याओं डाल दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो उससे बाहर आने के लिए लोग बहुत सारे कोशिश किए, आप भी जानते हैं। देखो, यह काम बहुत आसानी नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था। इस समस्याओं से बाहर लाने का काम मुश्किल भी नहीं था, मतलब उतना आसान भी नहीं था, समझ में आ रहा है ना। अष्टो सरलवो आगिरलिल्ल, अष्टो कष्टवो आगिरलिल्ल अंत हेळ्तारे। यह काम बहुत आसान नहीं था पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। नेहरू जी क्या सोचे थे मन में, तो उसी प्रकार यह काम बहुत आसान भी नहीं था, फिर इतना मुश्किल भी नहीं। हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, पुरा गाथाओं मतलब काल्पनिक कथा, ठीक है, काल्पनिक कथा, पुराने लोग पुराण अंत है, पौराणिक कथे काल्पनिक कथे, ठीक है। नेहरू जी कहते हैं हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी, मतलब उनके बारे में पूरा समझ लिए थे। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। देखो, तो इस साहित्य ने मतलब यह
भारत माता भारत का साहित्य मतलब ये पूरा विषय महाकाव्यों और पूरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणाओं से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसी भी होते ही थे जिन्होंने भारत के चारों कोने में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी, मतलब भारत माता के बारे में समझने के लिए। तो इसका वह इतिहास क्या है, ठीक है, तो कथाओं के अनुसार तो उसका इतिहास क्या है भारत माता के बारे में समझने के लिए उन्होंने क्या किए थे। देखो भारत के चारों कोने में मतलब चारों ओर राउंड कोने में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की थी, मतलब उसके बारे में समझ लेके उन्होंने तो भारत के चारों ओर धार्मिक स्थलों पर यात्रा की। धार्मिक स्थल मतलब धर्म के बारे में जानकारी देने वाले स्थल, धार्मिक स्थल। अब आप धर्मस्थल जाते ही उदाहरण के तौर पर आपको एक क्या होता है, एक संदेश मिलता है, समझ में आ रहा है ना, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। और उसी तरह आप श्रवण बेलगोल, श्रवण बेलगोल उधर गए तो क्या होता है, आपको एक संदेश मिलता है। तो इसी तरह भारत देश के हर एक कोने में धार्मिक स्थलों की उन्होंने यात्रा की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। नेहरू जी क्या कहते हैं, उन्होंने मैं एक एक सभा में मतलब फंक्शन, नेहरू जी जिस सभा में वे पहुंचते हैं या जीवन में वे क्या करते थे, अनेक स्थलों पर यात्रा करते समय एक फंक्शन में जाना पड़ता था, भाग लेना पड़ता था। उस समय उन्होंने जाते हैं, उस समय क्या होता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंजता गूंज उठता था। अनेक तरीके से इनको क्या करते थे लोग, उस फंक्शन में स्वागत करते थे। भारत माँ की जय, समझ में आ रहे ना, अनेक स्वरों में मतलब अनेक तरीके से लोग उनको क्या करते थे, स्वागत करते थे। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। उन्होंने भारत माँ की जय हो इस तरह कहते हुए नेहरू जी को स्वागत किए थे। नेहरू जी उनसे प्रश्न पूछते थे, क्या प्रश्न पूछते थे, इस पुकार से उनका क्या आशय है। जयकार कूगल रही अदर हिंदी महत्ववेन, तो आप हमें मुझे इस तरह क्यों स्वागत दिए, ठीक है, पीछे का आशय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह प्रश्न पूछते थे। देखो उस समय उन्होंने क्या जवाब देते थे, उनका क्या आशय है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता, चकित करना मतलब आश्चर्य। नेहरू जी और केरतकंता प्रश्नेगे ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಾಯಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಚಕಿತ ಕರ್ತಾ ಉನ್ಕಿ ಠೀಕ್ ಠೀಕ್ ಸಮಜ್ ಮೇ ನಹಿ ಆತಾ ಕಿ ವೇ ಮುಜೆ ಕ್ಯಾ ಜವಾಬ್ ದೇ ವೇ ಲೋಗ್ ಜಾನ್ತೆ ನಹಿ ಠೀಕ್ ಹೈ ಉನ್ ಲೋಗೋನ್ ಕೋ ಯಾ ಸಮಜ್ ಮೇ ನಹಿ ಆತಾ ಥಾ ಕಿ ಇಸ್ ಸವಾಲ್ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಜವಾಬ್ ದೇನಾ ಹೈ ಮತಲಬ್ ಉಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾ ಕ್ಯಾ ಉತ್ತರ ದೇನಾ ಹೈ ಉನ್ ಲೋಗೋನ್ ಕೋ ಸಮಜ್ ಮೇ ನಹಿ ಆತಾ ಥಾ। और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते हैं। उन लोग उस सवाल का क्या जवाब देना है नहीं समझते थे, तो उस समय वे क्या करते थे, एक दूसरों के मुंह देखते हुए फिर बाद में क्या करते थे, वे नेहरू जी की ओर देखते उत्तर गोतर तम तमल मुखवान नोड़ता निंतुद्ध तम मुखमे नोड़ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೆಹರೂಜಿಯವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಜಾರೇನಾ ತಾಗ್ನೇ ಲಗ್ತೆ ಮೈ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಜಾತಾ ಆಖಿರ್ ಏಕ ಹಟ್ಟಾ ಕಟ್ಟಾ ಜಾತ ಜಿಸ್ಕಾ ನ ಜಾನೆ ಕಿತ್ನಿ ಪೀಡಿಯೋ ಸೆ ಆ ಮಿಟ್ಟಿ ಸೆ ಅಟೂಟ ನಾತಾ ಹೈ। ದೇಖೋ ಐಸೆ ಹೀ ನೆಹರೂಜಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಥೆ ಉನ್ಕೋ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ಜಾ ಮತಲಬ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಛ್ತೆ ಹುಯೆ ಜಾತೆ ಥೆ ಆಖಿರ್ ಮತಲಬ್ ಅಂತ್ ಮೇ एक हट्टा कट्टा झाट जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता, नाता मतलब संबंध, ठीक है। अंत में उनको नेहरू जी इस तरह समझते थे कि उन लोगों का मिट्टी से जितना गहरा संबंध है, नाता मतलब संबंध, ठीक है,
जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, समझ में ना। अंत में नेहरू जी यह समझते थे कि उन लोगों का इस धरती की मिट्टी से कैसा एक गहरा संबंध है, आ जनर ಒಂದು संबंध ಏನಾಗಿದೆ भारत माते ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। किसे? नेहरू जी से। देखो जवाब में वे लोग क्या कहते थे, मतलब क्या उत्तर देते थे, कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, ठीक है, धरती मतलब यही भूमि, यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी, मिट्टी अंदर होता है मन्नो, भारत की प्यारी मिट्टी। मैं फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की या फिर पूरे भारत की मिट्टी, ठीक है। वे हमारी मिट्टी या भारत की मिट्टी, इस तरह जवाब आने पर फिर नेहरू जी कहते कौन सी मिट्टी, ठीक है, कौन सी मिट्टी। अब क्या खड़े हो या आपका भाग मतलब आपका गांव का एक टुकड़ा है वह मिट्टी या पूरा देश की मिट्टी, समझ में रहे ना। तो इस तरह उन लोगों के मन में भारत माता के बारे में जिस तरह भक्ति है, समझ में रहे ना, जिस तरह वे हमारा भारत है ऐसा गर्व से क्यों कह रहे हैं, मन में क्या विचार है, यह समझने के लिए नेहरू जी क्या कर रहे थे, बार बार उन लोगों से प्रश्न पूछ रहे थे। किसके बारे में? वो भारत माता के बारे में, तो भारत की धरती के बारे में। उन लोगों में जितना क्या है गर्व है, एक भारत माता के बारे में कैसा भक्ति है। तो इस तरह बच्चों नेहरू जी उन लोगों के मन में भारत माता के बारे में वह अच्छी तरह के भावना उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, भक्ति उत्पन्न करने के लिए वे जिस तरह कोशिश किए हैं, यह सब विषय हम आज देख लिए हैं। आगे और भारत माता की विशेषता के बारे में और इन लोगों के मन में भारत माता के बारे में एक भक्ति उत्पन्न करने के लिए नेहरू जी और कौन कौन से उपाय अपनाते हैं, यह सब हम अगले कक्षा में देखेंगे। बच्चों धन्यवाद।